भैया आज काल हे भगवान, आज के दिन त्योहार है राखी का और हमारे पास पैसे भी नहीं खरीदने का। मैं आपके अपने भैया के कलाई में राखी सजा सकूं, वो सभी बहन की दुआ देती है, वो तो हमारे पास भी पैसा नहीं है। तो क्या बात हो रही है, तुम रो क्यों रही हो और यह क्या? ओ, आज राखी है क्या? लेकिन मेरी बहन तू रो क्यों रही है? भैया आज के दिन सभी बहन अपने भाई के कलाई में राखी साधती है, परंतु आज मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा क्या कर रही हो रिंकी? क्योंकि आपके बहन के पास इतना भी पैसा नहीं है ताकि आपके कलाई में राखी सजा सकूं। क्या सच में तुम इतने गरीब है कि तुम्हारे पास राखी खरीदने के लिए पैसा नहीं है? आज 3 दिन हो गए घर में चूल्हा तक नहीं जला, फिर राखी कहाँ से लाती? ओके मेरी बहन, सचमुच हम गरीबी के दलदल में इस कदर फंस गए हैं कि इस दलदल से निकलने में लगता है 2-3 पीढ़ी बीत ही जाएगी। तो क्या गरीबी को हटाने के लिए कोई उपाय नहीं? जिस देश में दूसरों के जिस देश में आज के भारत और कुर्सी के सवार को कहता हो, जिस देश में दूसरों का अधिकार छेकर जीने वाले लोग हो, उस देश से गरीबी बेरोजगारी भ्रष्टाचार हटने के बजाय बढ़ती जाएगी, वरना करने से क्या नहीं होता? लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा गरीब हम लोग हैं। नहीं मैं नहीं, इस दुनिया में हमसे भी ज्यादा गरीब लोग रहते हैं जिन्हें खाने के लिए पैसा नहीं होता, इलाज कराने के लिए दवा के लिए पैसा नहीं होता, यहाँ तक कि वो मरे हुए आदमियों को भी दूसरों से चंदा करके ही कफन देते हैं। तो क्या हम लोग भी बापू की तरह गरीबी से लड़ते लड़ते हुए दम तोड़ देंगे? क्या हम लोग के नसीब में सुख नहीं लिखा है? नहीं मेरी बहन, नहीं, आज हम दुखी हैं तो कल हम सुखी अवश्य होंगे, इसी उम्मीद में ये सारी दुनिया का आएंगे। कुछ भी भैया, लेकिन आज मैं आपकी कलाई में सिर्फ इसलिए नहीं राखी सजा पाई ताकि उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं। अरे पगली, राखी तो भाई और बहन के बीच पवित्रता का एक बुनियाद है जिसे बहन अपने पूरे अरमानों के साथ खड़ा करती है। असल राखी तो सिर्फ एक कच्चा धागा की है जिसे गुरुराजी ने हमारी को बांध कर अपने भाई से अपने भाई के जीवन में रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन वह तो मेरे नसीब में नहीं है। नहीं बहन नहीं, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तब तक तुम्हारे अरमानों का खून नहीं होने देगा, तुम्हें राखी चाहिए ना। ये लो बहन, आज ये धागा समझ कर तुम इसे बांध दो, ये धागा बाजार में बिकने वाली राखी से मेरे लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लो रिंजु, मुझे राखी बांध दो। मेरी बहन तेरा की कलाई तेरा भैया निभाएगा, मेरी बहन तेरा की कलाई तेरा भैया निभाएगा, तुझे तुझसे न कभी भुलाएगा, तुझे तुझसे न कभी ना भुलाएगा, मेरी बहन तेरा की कलाई तेरा भैया निभाएगा, तुमने तो अपना खर्च पूरा कर दिया,
लेकिन मैं कितना अभागा बहू है कि आज मेरे पास तुझे देने के लिए आंसू के सिवाय कुछ भी नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते भैया, आप नहीं जानते आपका यहाँ आंसू मेरे लिए हीरे मोती से भी कहीं ज्यादा गिनती है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं हर साल इसी तरह राखी चलाते रहूं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए, तुम सदा हंसते खेलते रहो।